दिन पूर्व हुए कांडी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला कांडी थाना क्षेत्र के पंडित पकड़ी के पास प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने छिनतई के दौरान लगभग 5 गोली मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी डीलर कांडी थाना क्षेत्र के फतेहपुर का रहने वाला था। गोलीकांड के बाद आसपास के लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया था, वही अन्य अपराधी भागने में सफल रहे थे। इस पूरे मामले में कांटी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों के घर की कुर्की की कवायद शुरू कर दी है। कांटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर नामजद आरोपी के घर की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की है। वही थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या में शामिल सभी फरार अपराधियों के घर की कुर्की की जाएगी। की दिनांक 6 तारीख को मेरे यहाँ फतेहपुर में गोली मार के कुछ लोग अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिससे मुख्य नामजद अभियुक्त यही थे, इन्हीं के चलते ही हत्या हुई है। रमन इन पर आए थी, पिंटू गुप्ता पर आरोप भी है कि इनके द्वारा ही गोली चलाई गई है। तो इनके घर की कुर्की जब्ती न्यायालय के आदेश लेकर इनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। शेष सभी अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन लिए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। इस समाचार के प्रायोजक हैं आसम हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जुरन छपरा मेन रोड मुजफ्फरपुर। शांति क्लासेस आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। बीपीएससी सुपर टेट दरोगा बैंक की तैयारी। पता नोट करें, फर्स्ट फ्लोर फेडरल बैंक के ऊपर यादव नगर गेट के पास भगवानपुर मुजफ्फरपुर।